हेलो एवरीवन, जसप्रीत हेयर। वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कीबोर्ड में जो फंक्शन कीज़ होती हैं वो क्या है और उनका उपयोग हम कैसे करते हैं। जो फंक्शन कीज़ होती हैं वो कीबोर्ड में यहाँ पर टॉप पर होती हैं, F1 से लेकर F12 तक होती हैं। ये देखो F1, F2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12, ठीक है। इस कीबोर्ड पर ये इस तरह से है, अदरवाइज वो F10 के बाद F11 और F12 इस तरह से होती हैं। हम देखेंगे कि फंक्शन कीज क्या है और इसका आज हम साथ साथ में प्रैक्टिकल भी करेंगे साथ में ही। तो देखते हैं हम। देखो, अगर आप सिंपल जो कंप्यूटर है उसको यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको इस तरह का कीबोर्ड आपके साथ होता है। तो वहाँ पर अगर आपने इनका यूज़ करना है, F1, F2 फंक्शन कीज का यूज़ करना है, तो आप सिंपली इन्हें प्रेस करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो लैपटॉप जब आप यूज़ कर रहे हैं तो जो फंक्शन कीज़ है, अगर आप इनको डायरेक्ट प्रेस करोगे F1, F2, F3, तो ये कुछ और ही फंक्शन करेंगे। जैसे F1 पर ये ब्राइट हो जाएगा, ठीक है, ब्राइटनेस आ जाएगी, F2 पर ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी, इस तरह से। मतलब कि ये फंक्शन कुछ और ही करेंगे फंक्शन कीज़। बट अगर आपने लैपटॉप पर फंक्शन कीज़ जो F1 है उनका यूज़ करना है, तो उसमें आपको Fn जो फंक्शन है इसको साथ में प्रेस करना पड़ेगा। अगर F1 मतलब कि F1 का फंक्शन देखना चाहते हो, तो F1 के साथ Fn के साथ आप F1 को प्रेस करोगे। तो लैपटॉप में इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट फंक्शन की है वो होता है F1। F1 को हम यूज़ करते हैं फॉर हेल्प, ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर हेल्प। जैसे आप सिस्टम में काम कर रहे हो कहीं पर, अगर आप नॉर्मल किसी वर्ड में काम कर रहे हो, और अगर आपने इंटरनेट खोला हुआ है वहाँ पर आप काम कर रहे हो, तब आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप F1 प्रेस कर सकते हो। जैसे अभी हम परफॉर्म करके देखेंगे कि F1 कैसे परफॉर्म करता है। देखो, हमने ये वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक उसको ओपन किया हुआ है, एक डॉक्यूमेंट को। अब हम जो F1 है उसका यूज़ देखेंगे। अब मैं F1 प्रेस करूँ, देखो इस तरह से, जो जब हम F1 प्रेस करते हैं तो हेल्प के लिए वो ओपन हो जाता है, और यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हो जो जो आपको इस डॉक्यूमेंट में चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे सिस्टम पर हम ये देखो, ये हमारे पास आ गया विंडो हेल्प एंड सपोर्ट। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, आपने जो भी चेक करना है। अब हम देखते हैं इंटरनेट पर वहाँ पर क्या होता है। जैसे ये देखो, ये हमारा गूगल क्रोम मैंने ओपन किया है, इसमें देखो अगर F1 प्रेस करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, हाउ कैन वी हेल्प यू। आप यहाँ पर जो भी आपको इशू है, अगर आपने हिस्ट्री देखनी है, आपने कुछ डाउनलोडिंग देखनी है, जो भी आप देखना चाहते हो वो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो। देखो यहाँ पर हमारे पास इनसे रिलेटेड पहले ही इन्होंने लिखा भी हुआ है कि आप कौन सी चीज़ सर्च करना चाहते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है F2। F2 फंक्शन की का क्या यूज़ होता है, इससे हम किसी भी फोल्डर को, किसी डॉक्यूमेंट को, किसी भी चीज़ को हम रीनेम कर सकते हैं। जैसे अभी हम करके देखते हैं कि हम रीनेम कैसे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक फोल्डर है, ये वाला न्यू फोल्डर, हम इसे रीनेम करना चाहते हैं। अगर आप रीनेम करते हो तो आप ऐसे करते होगे, राइट क्लिक करते होगे और यहाँ पर जाकर रीनेम करते होगे, ठीक है, रीनेम आप क्लिक करते होगे, फिर आप यहाँ पर अपना जो नेम है वो रिप्लेस करते होगे। लेकिन अगर आप शॉर्टकट की, जैसे F2 को अगर आप प्रेस करोगे, पहले जिसे भी आप रीनेम करना चाहते हो उसे सिलेक्ट करके, उसके बाद आप जो है F2 प्रेस करो, तो देखो अपने आप यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन आ गया। आप जो भी इसमें फोल्डर में डालना चाहते हो तो आप वो इसमें रीनेम कर सकते हो। देखो बहुत ही इजी है, किसी भी चीज़ को आप किसी पिक्चर को करना चाहते हो या इसे सिलेक्ट करके उसके बाद F2 प्रेस करो, देखो बहुत ही इजी तरीके से हम किसी भी फोल्डर को, इमेज को, वीडियो को, किसी भी चीज़ को हम रीनेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है F3 फंक्शन की। तो F3 जो फंक्शन की है उसे हम यूज़ करते हैं सर्चिंग के लिए। देखो अगर आप सिस्टम पर हो, सिस्टम पर आप सर्च करना चाहते हो किसी भी चीज़ को, तो उस टाइम आप F3 प्रेस कर सकते हो। और अगर आपने इंटरनेट पर कोई भी आपने जैसे मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके बताती हूँ, जैसे ये देखो, जैसे ये देखो मैंने अभी F3 प्रेस किया है सिस्टम में जाके, तो आपको वो सर्च के लिए शो कर देगा।
देखो ये हमारे पास आ गया सर्च के लिए सिस्टम पर, यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। जैसे आपने देखना है कि आपके लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड या कुछ भी आपने चेक करना है तो आप यहाँ पर सर्च करें। देखो आपको बहुत ही इजी तरीके से वो मिल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो इंटरनेट वाला, वो अभी आपको बताती हूँ। ये देखो जैसे इसमें हमने कुछ भी सर्च किया, जैसे मान लो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ भी हम सर्च करते हैं, इन्वायरमेंट मैंने इसमें सर्च कर लिया। अब हम देखते हैं इसमें F3 प्रेस कर रही हूँ। अब मैं F3 प्रेस किया, देखो यहाँ पर ये हमारे पास सर्चिंग बॉक्स जो है वो ओपन हो गया। यहाँ पर आप जो भी सर्च करोगे, जैसे मैं वाटर जो है उसे सर्च करते हो, तो जो जहाँ जहाँ पर भी वाटर लिखा होगा वो आपको हाईलाइटेड हो जाएगा। देखो ये यहाँ पर भी वाटर लिखा हुआ है, वो आपको हाईलाइटेड हो गया है। तो ये हमारे पास सर्चिंग जो F3 फंक्शन की फंक, तो वो हमने कर लिया। F3 की का क्या फंक्शन था और उसे हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास F4 फंक्शन की। जो F4 फंक्शन की है उसे अगर आप अकेले ऐसे ही F4 प्रेस करोगे तो कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा, तो उसे हम ऑल्ट के साथ यूज़ करते हैं। ऑल्ट प्लस F4 हम यूज़ करते हैं। जब भी हम ऑल्ट प्लस F4 यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो है हम कंप्यूटर को बहुत ही ईजी तरीके से शट डाउन कर सकते हैं। और अगर हमारे पास सिस्टम में काफ़ी सारे प्रोग्राम ओपन हुए हुए हैं, अगर आप ऑल्ट प्लस F4 प्रेस करोगे तो वो वन बाय वन सबको क्लोज कर देगा, सभी प्रोग्राम को क्लोज कर देगा। तो ये होता है ऑल्ट प्लस F4 का फंक्शन। हम देखते हैं अभी, जैसे ये देखो मैंने अब ऑल्ट प्लस F4 प्रेस कर रही हूँ, तो ये देखो ये हमारे पास आ गया कि इसको आप क्लोज करना चाहते हो या नहीं। इफ़ यू क्लोज द करंट रिकॉर्डिंग मोड, द रिकॉर्डिंग F4 जो है वो ऑल्ट प्लस F4, मैंने अभी आपको बताया कि शट डाउन और क्लोज प्रोग्राम के लिए हम यूज़ करते हैं। तो रिसेंटली जहाँ पर मैं मतलब इस स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रही हूँ, अगर मैं ऑल्ट प्लस F4 प्रेस कर रही हूँ तो वो स्क्रीन को बंद करने के लिए बोल देते हैं। तो ये आप अपने आप परफॉर्म करके देखना कि आप जब ऑल्ट प्लस F4 प्रेस करते हो तो आपके लिए क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हो, आप अपने आप चेक करना, क्योंकि अगर मैं ये करूँगी तो मेरी जो स्क्रीन है जो जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वही बंद हो जाती है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फंक्शन की F5। जो F5 फंक्शन की है ये हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए। अगर हम इंटरनेट एक्सप्लोरर में, उसमें हम उसे रीलोड कर सकते हैं, और जो हमारे पास अगर कोई स्लाइड शो है उसे हम देखना चाहते हैं डायरेक्ट, तो F5 हम प्रेस करके स्लाइड शो भी चला सकते हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं पहले रिफ्रेश कैसे करते हैं। तो रिफ़्रेश करने के लिए पहले आपको एक बार F5 प्रेस करने के सॉरी पहले आप राइट क्लिक करके, जहाँ से रिफ़्रेश होता है वहाँ से रिफ़्रेश करके फिर आप F5 प्रेस करोगे कॉन्टिन्यूसली, तो रिफ़्रेश होगा। जैसे देखते हैं हम, ये देखो राइट क्लिक करके आप क्या करोगे, एक बार रिफ़्रेश कर लेना, उसके बाद जब आप F5 प्रेस करोगे तो ये देखो ये कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ़्रेश हो रहा है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूसली ये रिफ़्रेश हो रहा है। तो रीलोड के लिए हम देखते हैं कि कैसे हम रीलोड कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास कुछ भी हम ओपन कर लेते हैं, इन्वायरमेंट को ही ओपन कर लेते हैं। अब हम इसे रीलोड करना चाहते हो तो रीलोड करने के लिए आप F5 प्रेस करोगे, देखो ये रीलोड हो रहा है। F5 प्रेस करने से ही रीलोड हो रहा है। और जो स्लाइड शो है वो भी देखते हैं हम। जैसे ये देखो ये हमारा स्लाइड शो है, इसको हम कैसे करेंगे। अब मैं अगर F5 प्रेस करूँगी तो वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा स्लाइड शो और वो कॉन्टिन्यूसली वर्क करेगा। जैसे मैंने अभी F5 प्रेस किया है, ये हम पावर पॉइंट में है, देखो F5 प्रेस करने से जो है वो चलने लग जाएगा अपने आप ही। तो इस तरह से हम F5 का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है F6 फंक्शन की। तो F6 फंक्शन की को हम यूज़ करते हैं जो एड्रेस बार में URL होती है उसे हाईलाइट करने के लिए। तो अगर हम उसे मतलब कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाकर अगर हम F6 प्रेस करते हैं तो वो सारी हाईलाइटेड हो जाएगी, और आप डायरेक्ट वहाँ पर बिना माउस का यूज़ किए और बिना टच को यूज़ किए आप नेक्स्ट जो भी सर्च करना चाहें। मैं इसमें सर्च कर रही हूँ, वही हमारे पास इन्वायरमेंट। तो ये हमारे पास है
एड्रेस बार में यूआरएल, इसको हाईलाइट अगर आपने करना है तो आप F6 प्रेस करोगे, देखो ये हाईलाइट होगी। अब आप डायरेक्ट कुछ भी और सर्च करना चाहते हो तो आप सर्च कर सकते हो, जैसे मैं यूट्यूब सर्च कर रही हूँ तो बिना माउस का यूज़ किए हम नेक्स्ट जो भी है उसको सर्च कर सकते हैं ईजी तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे सर्च कर सकते हैं, F6 की का यूज़ कर सकते। नेक्स्ट फंक्शन की हमारे पास आती है F7। तो F7 को हम यूज़ करते हैं चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए। अगर मतलब कि हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी चीज़ है जिसमें हम स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करना चाहते हो, तो उसे ओपन करके आप अगर F7 प्रेस करोगे तो आपके लिए वो एक बॉक्स ओपन हो जाएगा स्पेलिंग और ग्रामर के लिए। जैसे हम देखते हैं, ये देखो, जैसे इसमें देखो आप चेक कर रहे हो कि यहाँ पर रेड लाइंस है। रेड लाइंस का मतलब क्या है कि इसमें जो है मिस्टेक है। तो अगर हम इसे चेक करना चाहते तो हम F7 प्रेस करेंगे। देखो हमने F7 प्रेस किया तो ये शो करवा रहा है हमें। देखो इसने जो क्विक है उसे सर्च किया है, वहाँ पर ये बोल रहा है कि सी जो है वो मिसिंग है। तो हम इस तरीके से स्पेलिंग और ग्रामर को चेक कर सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, F7 प्रेस करने से ये देखो चूजिंग, वो बोल भी रहा है कि अब आप किस तरह से इसे सेट कर सकते हो। जैसे अगर आपने इग्नोर करना तो इग्नोर करो, अगर आप इस चूजिंग को इसके साथ रिप्लेस करना चाहते हो तो आप रिप्लेस भी कर सकते हो, जैसे चेंज कर दो। तो यहाँ से देखो चूजिंग रिप्लेस हो गया। नेक्स्ट है क्विक, क्विक में भी वो हमें बोल रहा है कि यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, सी मिसिंग है, तो आप इसके साथ इसे चेंज कर दें। तो इस तरीके से ये देखो जो भी यहाँ जहाँ पर भी हमारी प्रॉब्लम होगी वो सब वो चेक करेगा। यहाँ पर वो बोल रहा है इंसर्ट के साथ ही से चेंज करें, नेक्स्ट भी इंसर्ट के साथ, उसके बाद अदर, अदर में हमारे पास ई मिसिंग है तो वो बोल रहा है चेंज करो, तो हम चेंज कर देते। डॉक्यूमेंट में देखो हमारे पास यू मिस है, तो हम इस तरीके से देखो ये आ गया स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कम्प्लीट का, आपका स्पेलिंग और ग्रामर जो भी इसमें प्रॉब्लम थी वो सब कम्प्लीट हो चुका है, तो हम ओके कर देते हैं। तो ये था हमारा स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करना F7 की हेल्प से। जो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन की आती है वो होती है F8। F8 जो होती है ये बेसिकली हमारे यूज़ की नहीं होती, ये तब यूज़ होती है जब हम क्या करते हैं एंटर द विंडो स्टार्ट मेन्यू। जब हम विंडो स्टार्ट मेन्यू में एंटर करना चाहते हैं, कॉमनली यूज टू लॉन्च द सेफ मोड। जब हम सेफ मोड को लॉन्च करना चाहते हैं इफ़ प्रेस्ड ड्यूरिंग बूट प्रोसेस, बूट प्रोसेस के दौरान ही हम F8 को प्रेस कर सकते हैं। जैसे देखो जब हम F8 प्रेस करते हैं जब भी हमने विंडो करनी होती है, तो इस तरीके से हमारे पास कुछ शो होता है। ये देखो इस तरीके से हमारे पास वहाँ पर कुछ भी शो होगा। तो ये F8 हमारे पास बूट के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है F9। तो F9 को हम यूज़ करते हैं जो हमने जो भी आइटम सेलेक्ट की हुई है उसे रिमूव करने के लिए, और नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं कंपाइल और रन के लिए। तो जो भी हमने आइटम सेलेक्ट की होगी अगर हमने उसे रिमूव करना, तो आप F9 प्रेस करोगे तो वो रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपाइल एंड रन। कंपाइल एंड रन का मैं अभी बताती हूँ आपको। ये देखो ये हमारे पास सी प्रोग्राम होता है, टर्बो सी। अगर आपने कंपाइल करना है तो आप जो F9 है उसको ऑल्ट के साथ प्रेस कर सकते हो, तो उसमें इसका यूज़ होता है F9 जो हमारी फंक्शन की है, लेकिन इसका यूज़ भी ऑल्ट के साथ ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है F10। F10 जो फंक्शन की है इसे हम यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास MS Word जो है उसमें मेन्यू बार को एक्टिवेट करना हो, मतलब कि हमने कीबोर्ड की हेल्प से ही उसे यूज़ करना, तब हम F10 प्रेस कर सकते हैं। और अगर हम इसे शिफ्ट प्लस F10 के मतलब F10 के साथ अगर हम शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो जो राइट क्लिक का जो भी काम होता है वो ये परफॉर्म करेगा। जैसे मैंने आपको जो हमारी माउस कीज थी उनमें बताया था कि राइट क्लिक हम किस से करते हैं, तो इसकी हेल्प से भी हम राइट क्लिक कर सकते हैं, मतलब कि माउस का जो राइट बटन होता है उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको हम शिफ्ट प्लस F10 के साथ यूज़ करेंगे। जैसे ये देखो इस डॉक्यूमेंट में अब हम प्रेस कर रहे हैं F10,
परफॉर्म करेगा, ये देखो इस तरह से हमारे पास जो है वो एक्टिवेट कर देगा मेन्यू बार को। अगर हमने होम में जाना है, होम में तो हम है ही एच हम प्रेस करेंगे, अगर हमने इंसर्ट में जाना तो हम एन प्रेस कर देंगे, तो एन प्रेस करते हम उसमें चले जाएंगे। ठीक है, जैसे ये देखो फिर से करती हूँ मैं, F10 प्रेस कर रहे हैं तो ये हमारे पास शो होने लग गया। अगर हमने देखो पेज लेआउट में जाना है तो हम P प्रेस कर देंगे, P प्रेस करते देखो हम पेज लेआउट में चले गए। ठीक है, इस तरीके से हम इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। और सेकंड जो था हमारा F10 का यूज़ वो ये था कि अगर हम शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करते हैं तो जो राइट साइड वाला हमारा होता है माउस का बटन उसका वो यूज़ करेगा। जैसे देखो मैं शिफ्ट के साथ F10 प्रेस कर रही हूँ तो ये देखो ये हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो राइट की वो शो होने लगी। जैसे हम इसे सिलेक्ट करके भी हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास राइट जो माउस बटन है उसका सब ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है F11। F11 फंक्शन की को हम यूज़ करते हैं कि हम चेंज कर सकें स्क्रीन को फुल स्क्रीन में और या फिर नॉर्मल स्क्रीन में हम उसे चेंज कर सकें। इंटरनेट ब्राउज़र में भी कर सकते हैं, किसी अगर हमने कोई VLC मीडिया प्लेयर को ओपन किया उसे भी हम फुल स्क्रीन और नॉर्मल स्क्रीन में कर सकते हैं, जैसे मैं आपको करके बताती हूँ। जैसे ये देखो मैं अब F11 प्रेस कर रही हूँ तो स्क्रीन को हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमाइज नॉर्मल इस तरीके से हम उसे कर सकते हैं। नेक्स्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी आपको करके बताती हूँ कि वहाँ पर कैसे कर सकते हैं हम। तो ये देखो जैसे कोई भी हम वीडियो ले लेते हैं यूट्यूब में, जैसे ये देखो ये वाली जो वीडियो है इसमें हम क्या करेंगे। ठीक है, वैसे तो हम यहाँ से मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने इसका यूज़ करना हो F11 का तो किस तरीके से करेंगे, देखो ये आ गया। ठीक है, F11 टू एग्जिट द फुल स्क्रीन, तो इस तरीके से हम उसे कर सकते हैं। तो ये था हमारा F11 का। नेक्स्ट हमारे पास आती है F12 फंक्शन की। तो F12 फंक्शन की को हम यूज़ करते हैं कि अगर हमने किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी भी फाइल को सेव एज करना हो। सेव का मतलब होता है कि सिंपल सेव का तो हमारे पास शॉर्टकट की वो भी होती है, कंट्रोल प्लस एस करेंगे तो सेव हो जाएगा। लेकिन अगर हम उस फाइल को कोई नेम देना चाहते हैं तो सेव एज हम करेंगे F12 की हेल्प से। ये बहुत ही ईजी तरीका है, जैसे मैं आपको करके बताती हूँ। जैसे ये हमारे पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, हम इसे सेव एज करना चाहते हैं, कोई नेम देना चाहते हैं, तो ये देखो F12 प्रेस करते ही हमारे पास इस तरीके से ये शो हो जाएगा सेव एज का। और इस पर आप जो भी इसको नेम देना चाहते हैं तो वो नेम देकर आप इसे सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने इंसर्ट वन कर दिया इसका नेम डॉक्यूमेंट का और ये सेव हो जाएगा। तो ये था हमारा F12 का फंक्शन का यूज़। तो आज की वीडियो आई होप आपको पसंद आई हो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि उसकी हेल्प से ही आपको मेरे नए नए नोटिफिकेशन आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट हमारे पास आती है F12 फंक्शन की। तो F12 फंक्शन की को हम यूज़ करते हैं कि अगर हमने किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी भी फाइल को सेव एज करना हो। सेव का मतलब होता है कि सिंपल सेव का तो हमारे पास शॉर्टकट की वो भी होती है, कंट्रोल प्लस एस करेंगे तो सेव हो जाएगा। लेकिन अगर हम उस फाइल को कोई नेम देना चाहते हैं तो सेव एज हम करेंगे F12 की हेल्प से। ये बहुत ही ईजी तरीका है, जैसे मैं आपको करके बताती हूँ। जैसे ये हमारे पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, हम इसे सेव एज करना चाहते हैं, कोई नेम देना चाहते हैं, तो ये देखो F12 प्रेस करते ही हमारे पास इस तरीके से ये शो हो जाएगा सेव एज का। और इस पर आप जो भी इसको नेम देना चाहते हैं तो वो नेम देकर आप इसे सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने इंसर्ट वन कर दिया इसका नेम डॉक्यूमेंट का और ये सेव हो जाएगा। तो ये था हमारा F12 का फंक्शन का यूज़। तो आज की वीडियो आई होप आपको पसंद आई हो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि उसकी हेल्प से ही आपको मेरे नए नए नोटिफिकेशन आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।